हेलो फ्रेंड, मैं अर्चना बिहार से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजी गार्डन में। फ्रेंड, सुबह सुबह का समय है, एकदम हल्की हल्की हवा चल रही है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत टेम्परेचर हाई जा रहा है, तो कुछ देर के बाद आने में बहुत गर्मी लगती है। तो मेरा जो प्लांट ख़राब हो रहा था फ्रेंड, उसी के श्रेणी में एक और प्लांट जो है उसको मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगी बचाने का। तो ये प्लांट जो देख रहे हैं फ्रेंड, ये कनेल का प्लांट है और सर इतनी अच्छी फ्लावरिंग होती थी, देख सकते हैं इसमें जो है छोटे छोटे से शूट्स निकलना शुरू हो गए, छोटे छोटे से ब्रांच निकलना शुरू हो गए होंगे। फिर आप गौर से देखिएगा तो आपको दिख जाएगा इसका जो मैं फ्रूट्स जो है प्रून करके चली गई थी इस प्लांट को अच्छे से रिपोर्ट वगैरह कर करके, लेकिन वो लगता है पानी नहीं डालने की वजह से मेरा प्लांट जो है ख़राब होना शुरू हो गया। उसके बाद वो क्या किया, देखिए ऊपर से तोड़ दिए, लगता सूखने लगा होगा उसको लगा होगा डर, तो इसलिए ऊपर से तोड़ दिए। देखिए इस तरह से अभी कट नहीं किए थे, सब जितना भी ख़राब ब्रांच है पहले सबको कट करके हटाएँगे, उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या इसमें कर सकते हैं और ताकि मेरा प्लांट जो है चल सके। ऐसे इसमें छोटे छोटे से देख सकते हैं इस तरह से निकलना शुरू हो गया फिर, लेकिन जो भी ख़राब ब्रांच है अगर इसको नहीं कट करके हटाएंगे, देख सकते हैं इस तरह से सूखना शुरू हो गया, यानी ख़राब हो गया नीचे तक, जहाँ से ख़राब हुआ है उसके बाद नीचे तक ला काट देंगे ताकि उसके आगे से ना ख़राब हो। तो सबसे पहले तो इसको काट के हटा देते हैं, यहाँ से काट दिए। तो देखिए ये फ्रेंड जो ब्रांच है इसके ज़्यादा ग्रीन है, ये भी देख सकते हैं ब्लैक हो चुका है, जहाँ तक ब्लैक हो चुका है उसको पूरी तरह से हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरा प्लांट जो है धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा। लेकिन कटता भी नहीं है, तो मैं सबको पहले काट करके उसके बाद आपसे मिलती हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ से कट कर दिए हैं, ये ऊपर से कट कर दिए हैं, यहाँ से भी कट कर दिए हैं, ये भी हटा दिए हैं, यहाँ से जो कट किए हैं इसके अंदर भी ब्लैक हो चुका है। देखते हैं बचता है या नहीं बचता है, कोशिश तो ज़रूर करेंगे फ्रेंड। देख सकते हैं और एक जो ब्रांच ये है इसको भी पूरी तरह से काटना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा ये ख़राब हो चुका है। ये देख सकते हैं फिर यहाँ कटने के बाद भी ये पूरी तरह से ख़राब हो रहा है, यहाँ भी ख़राब हो रहा है, लेकिन इधर ऐसे छूने से ग्रीन दिखता है, नहीं देखिए ये भी ब्लैक हो रहा है। देखते हैं इसको थोड़ी बहुत कर करके अगर बचता है तो ठीक है, नहीं तो फिर नया ही पेड़ लेना पड़ेगा। तो जो भी प्लांट जो ब्रांच जो काट दिए हैं सबसे पहले तो उस पर ये जो फंगीसाइड पाउडर है उसको अप्लाई कर देते हैं ताकि आगे ख़राब ना हो। ऊपर में भी लगा देते हैं और इस पोर्शन में भी लगा देते हैं। ये भी जो लग रहा है कि ख़राब है, लेकिन अगर इसको हम काट देते हैं तो बस एक ही ब्रांच बच जाता है, हो सकता है ये प्लांट जो है पूरी तरह से ख़राब हो जाए, लेकिन ऊपर का जो ब्रांच है ये सब ग्रीन है, नहीं हो तो एक ब्रांच को काट करके अलग ही प्लांट को सेपरेट कर देंगे, तब तक इतना जो भी ब्रांच है उसको भी बचाने का कोशिश करते हैं। बस इसमें भी अच्छे से फंगीसाइड को लगा दिए हैं, अब इसको हल्का सा गुड़ाई कर लेते हैं, फिर हल्की सी गुड़ाई कर लेते हैं साइड साइड से। प्लांट को गुड़ाई करने से भी रूट्स में अगर हवा लगता है थोड़ी सी ऑक्सीजन इसको मिलती है तो भी प्लांट हो सकता है सही हो जाए। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे फ्रेंड कि ये प्लांट मेरा ख़राब मत। वैसे देखते हैं ये देख सकते हैं फ्रेंड, इसमें थोड़ा सा बर्मी कंपोस्ट लेके भी इसमें जो है कंपोस्ट वगैरह डाल करके इसको रिपोर्ट करके गए थे फ्रेंड, इसलिए ज़्यादा बर्मी कंपोस्ट नहीं लेंगे, थोड़ा सा बर्मी कंपोस्ट लिए, फंगीसाइड पाउडर है, ये जो है यूरिया फॉस्फेट, ये रूट्स को बढ़ने में मदद करता है, तो हो सकता है प्लांट का भी ग्रोथ अच्छे से हो सके। और यहाँ पर थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट लिए हैं,
जो इसके लीफ को भी ग्रीन करेगा और रूट्स को भी मदद करेगा, हेल्प करेगा बढ़ने में। इन सबों को अच्छे से मिला देते हैं। मिलाने के बाद रूट्स के पास जितना भी मिट्टी है उसको ऊपर कर देते हैं और इसको अच्छे से डाल देते हैं। डालने के बाद इसको ऊपर से भर देते हैं फिर, ताकि पानी भरकर डालेंगे तो इसकी कंपोस्ट वगैरह जो हम लोग डालें वो ना निकले। इसको हल्का सा इस तरह से हिला भी देंगे, थोड़ी सी मिट्टी में निकाल ही देते हैं क्योंकि मिट्टी इसमें कुछ ज़्यादा हो गया अभी है। इस तरह से करके छोड़ देते हैं फिर, देखते हैं ये प्लांट कैसा रहता है। जैसा भी रहेगा आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारा छोटे छोटे से लीफ निकल रहा है। उसको छांव में रख देते हैं, थोड़ा सा हल्का पानी भी डाल देंगे इसी समय। जैसा रिजल्ट रहेगा फ्रेंड आप लोग के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर, तब तक के लिए बाय बाय।